शांति। आज की तारीख है 29/11/20 और आज रविवार है और आज देव दिवाली भी है। तो हम प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 23/1/87। आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है सफलता के सितारों की विशेषताएं। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले कि आज ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वह प्रकृति की सत्ता है और ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं और ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वो सितारे रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं, कोई दूर के सितारे भी हैं, कोई फिर सफलता के भी सितारे हैं, तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं, कोई एक स्थिति वाले हैं तो कोई स्थिति बदलने वाले हैं। वो स्थान बदलते और यहाँ स्थिति बदलते। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूछ वाले, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। जैसे प्रकृति के पुच्छल तारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है, ऐसे बार बार पूछने वाले इस ब्राह्मण परिवार में वायुमंडल को वे भारी कर देते हैं। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा द्वारा याद प्यार। तो बाप दादा बोले, याद प्यार देते, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ रहने वाले सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्र चित्त स्थिति में रहने वाले ऐसे परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु का प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक भव।
मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी यह वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है और स्व के प्रति स्वचिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ और किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। तो जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ तब प्रत्यक्षता का समय समीप आवे। अच्छा स्लोगन है, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अच्छा ओम शांति।